हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रिव्यू बताऊंगा जो सिविल इंजीनियरिंग में वेरियस ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि आपके आपको पता चल सके कि पुराने प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं और क्या क्या किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें सबसे पहली जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो है IAS मास्टर की SSC JEE 2019 एडिशन। आप लेटेस्ट एडिशन जो आ रहा होगा 21 वाला वो ले सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से, ये बुक देखो आप, जैसे दिया हुआ 2019 एडिशन है और इजीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको ऑनलाइन किसी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी अगर आप लेना चाहते ले सकते हैं। और इसमें जो है वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं, आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स, और बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर SSC JEE के लिए वो IAS मास्टर की है। इसमें जैसे देखिए आप, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया हुआ, लेकिन और नीचे एक्सप्लेन भी किया और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया, जो भी जैसे ABCD ऑप्शन है उन चारों को एक्सप्लेन करके बताया गया है कि क्या क्या इनका मीनिंग है और किस क्या क्या थ्योरी इससे बनती है। तो आप देख सकते हैं कितने वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है SSC JEE प्रीवियस ईयर। इनके ESC की जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, मतलब वो भी आती है बुक, वो आप अगर आपको लेनी हो तो आप ये वाली बुक SSC JEE प्रीवियस ईयर के लिए लें। और जो नेक्स्ट बुक है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। इसका आप कोई भी एडिशन ले लो, पिछले 5-6-7 साल होते तो सेम ही आ रहा है, थर्ड एडिशन जरूर लिखा लेकिन ऐसे ही है। आपको बता देता हूँ, इसमें 18 चैप्टर्स है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन तो इसके बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें इशू क्या है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चन के अवेलेबल नहीं है और बीच में थोड़े रॉन्ग भी आंसर्स आए हैं इसमें। तो आप वो तो मैक्सिमम बुक में एरर होता ही है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्या पैटर्न रहता है, तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं, बुक को ज़रूर लें, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की AE JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस बुक को करें। जो ये नेक्स्ट बुक है वो PJRAM रेड्डी की है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस बुक में भी वेरियस चैप्टर है और इसमें यह कि इसमें थ्योरी भी है, जैसे आप देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स से इसकी थ्योरी दी हुई है। पहले डिटेल्ड में थ्योरी तो नहीं है, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स जो भी होते हैं इसमें कवर किए होते हैं। मेन के लिए तो आपको जो बुक्स हैं मेन वही पढ़नी पड़ेगी डिटेल में अगर आपने पढ़नी है, लेकिन अगर आप बेसिक एक आइडिया लेना चाहते हो तो आप जरूर इस बुक को फॉलो कर सकते हो। देखिए पहले थ्योरी दी हुई है, टरबाइन है, पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और ये देखिए इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो थ्योरी कर ली और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप जरूर बुक्स, मैं तो सुजेस्ट करूँगा कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप बुक जरूर करें आप। एक जैसे अगर आप SSC JEE प्रीवियस ईयर, IESC प्रीवियस ईयर, ये जरूर दो जरूर करें। वेरियस स्टेट के JEE एग्जाम में इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉपी पेस्ट ही होता है वो। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, JEE की चाहे तो आप ज़रूर इन दो बुक करें, और जो स्टेट के प्रीवियस ईयर हैं वो जरूर करें, और जैसे ये ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वेरियस इनको जरूर करें। और देखिए इसमें ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो अगर आप, और लास्ट में ये आंसर्स दिए हुए हैं, विदाउट सॉल्यूशन है लेकिन इसके आंसर्स, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस बुक को ले लें। सेकेंड चैप्टर आगे इंजीनियरिंग
मैं आपको और भी बुक्स हैं जो वेरियस टाइप है जो वे आप ले सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।